टू सी यू। गुड टू सी यू इतने टाइम बाद। जब भी मतलब हम आपसे मिलते एक एनर्जेटिक अदिति हाँ। हमें देखने को मिलती है, तो थोड़ा बताइए कि ये ऐसे राज क्या है एनर्जेटिक। खुश होने का रहना चाहिए ना हमेशा खुश। और आज एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं 2 साल के बाद की 1.5 ईयर्स के बाद एक लाइव इवेंट कर रही हूँ, मतलब इवेंट जूम पे नहीं, तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड ऑल्सो क्योंकि नेबुला का इवेंट है, इट्स टाइटन इज़ अ ब्रांड दैट यू नो इज़ सिनोनिमस विद क्वालिटी विद टाइमलेसनेस, यू नो इट्स वन ऑफ दोज रियली रियली स्पेशल ब्रांड्स। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग एन इवेंट फॉर देम एंड द नेबुला कलेक्शन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर कलेक्शन है। मैं देख के खुश हो गई और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं इवेंट कर रही हूँ, बट मैं सच्ची में देख के बहुत खुश हो गई। इट्स सो ब्यूटीफुल, रियली बहुत ब्यूटीफुली मेड टाइम पीसेज जो बिल्कुल ज्वेलरी जैसे लगते हैं, और मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है और मुझे वॉचेस पसंद है, तो इन दोनों का मिश्रण परफेक्ट है मेरे लिए। एंड ये जो आपके हाथ में वॉच है वो बहुत ही प्रिटी ब्यूटीफुल, बहुत प्रिटी है। थोड़ा सा जरा इसके बारे में बताइए कि ये 18 कैरेट गोल्ड में बनी हुई है वॉच। इसमें डायमंड्स हैं, एमरल्ड है, और मैंने जो और भी टाइम पीसेस देखे, एक रूबी का वॉच है, एक जेड में बना हुआ वॉच है, दे रियली ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल कारीगरी है। और मैं हमेशा मानती हूँ कि ज्वेलरी ऐसी होती है जो आप जनरेशन को पास ऑन करते हैं, और वॉचेस भी बहुत स्पेशल होते हैं। आज हर इंसान को अपनी पहली वॉच हमेशा याद होती है, या अगर कोई वॉच आपकी यू नो आपकी वेडिंग पे आपको किसी ने दी वो हमेशा स्पेशल होगी। एंड आई फील लाइक अ टाइम पीस लाइक दिस इज़ बहुत टाइमलेस है, प्रेशियस है, वो बहुत मायने रखता है क्योंकि यू नो इट्स लाइक अ पीस ऑफ ज्वेलरी। एंड इंडिया में ज्वेलरी बहुत स्पेशल होती है, बहुत सीक्रेट होती है ज्वेलरी। तो आई फील लाइक आई थिंक दे कम अप विद अ ब्यूटीफुल कलेक्शन विच हैज़ अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस टू एन इंडियन फैमिली, टू गर्ल्स ऑफ दिस कंट्री एंड बॉयज। एंड आई फील लाइक चाहे ये गिफ्ट हो, चाहे आप खुद अपनी शादी पे पहने या किसी और की, इंडियन क्लोथ्स जब होते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि अभी हम वॉच कैसे पहने, बट ये है, अगर ये है आपके कलाई पे, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, इट्स एक्चुअली रियली प्रीटी। सो ये हाँ, और ये मेरा अगला सवाल भी था कि आपकी पहली वॉच जो आपके लिए मेमोरेबल हो या किसी ने गिफ्ट की हो या कुछ भी। एक्चुअली वन ऑफ माय फर्स्ट वॉचेस, एक्चुअली वन ऑफ माय फर्स्ट वॉचेस जो मेरे फादर ने मुझे दी वो टाइटन थी। और हम यहाँ पर भी हाँ इसी मौके पे प्रेजेंट है। या मैं स्कूल में थी और अलाउड, एक्चुअली उस टाइम वो सोच रहे थे कि अलाउड है या नहीं है, तो उस टाइम दे सर अच्छा ओके किड्स आर अलाउड टू वेयर। तो मैं बोर्डिंग स्कूल में थी तो माय फादर गॉट मी अ लेडीज़ वॉच, और मैं कहा नहीं मुझे मेन का वॉच चाहिए, मुझे बड़ी वॉच चाहिए। तो ही मुझे अभी भी मैं नॉर्मल मेरे एवरी डे पे मैं बड़े वॉचेस पहनती हूँ, बट अब मैंने मतलब मैंने जब ये देख लिया तो मैं सोचा मैं ऐसे वॉच क्यों नहीं पहन सकती जो ज्वेलरी जैसे लगता है, लुक्स लाइक अ ब्रेसलेट, ना सुंदर है। तो उस टाइम मुझे एक टाइटन वॉच मिला था। अपने घर वालों को आज आपने बताया कि आज भी मैं जहाँ जा रहे हूँ टाइटन। हाँ इनफैक्ट मैंने एक्चुअली जब मैंने देखा तो मैंने सोचा मैं किसी को गिफ्ट, मैं अपनी माँ को गिफ्ट कर सकती हूँ ऐसा वॉच, यू नो बिकॉज वो बहुत ब्यूटीफुल साड़ीज पहनती हैं और इट लुक सो ब्यूटीफुल विद अ साड़ी, यू नो शी वेयर्स अ लॉट ऑफ इंडियन क्लोथ्स एंड ये इंडियन क्लोथ्स के साथ इतना सुंदर लगे। बिल्कुल, एंड यू नो वेडिंग एंड ज्वेलरी का ये कोलैबोरेशन है, सो आप बताइए कि जब जब इस किसी भी वेडिंग के मौके पर प्रेजेंट होती है या जाती है किसी की भी शादी में, किस तरह के वॉचेस पहनना पसंद करती है? एंड क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत ही रिच हैं, तो तकरीबन कितने कलेक्शन होंगे आपके पास? आपको ये किसने बताया? ये मुझे बचपन बहुत जमाने से बचपन से आपको पता है? नहीं जमाने से पता है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली जब मैं वेडिंग्स में जाती हूँ या जब मैं इंडियन क्लोथ्स पहनती हूँ इवन इवेंट्स के लिए, मैं वॉच नहीं पहनती क्योंकि वो कभी मतलब वो अजीब सा लगता है, एक चंकी सा वॉच कैसे पहन के जाऊँ मैं, और वो हमारे कल्चर और हेरिटेज से नहीं बनी होती मोस्ट वॉचेस। वेर एज़ ये जो नेबुला कलेक्शन है उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाई है,
कि वो ज्वेलरी जैसे लगती है, वो ऐसे ऐसे खटकती नहीं आँखों को, वो मर्ज कर जाती है इंडियन मतलब इंडियन सेंसिबिलिटीज़ में। और क्योंकि इनकी जो डिज़ाइनिंग है वो सच में बहुत खूबसूरत है, और वो इंडियन कल्चर आर्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट फॉर्म से इट्स इंस्पायर्ड बाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, चाहे वो फिलिग्री हो, चाहे वो कैलीग्राफी हो, चाहे वो डेक्कन का आर्ट हो, जैसे जैसे जो मैंने पहनी है आज वो दक्कनी आर्ट से इंस्पायर्ड है, फलकनुमा पैलेस से। तो अभी मैं इंडियन अगर पहनूँ तो ये अच्छा लगता है, आप देख लीजिए कर। बिल्कुल, बहुत ही ब्यूटीफुल, इट्स रियली ब्यूटीफुल। एंड यू नो अदिति जी, वेडिंग सीजन भी चल रहा है एंड शादी की भी बात हो रही है, तो अभी जस्ट कैटरीना एंड विकी कौशल शादी भी करती हूँ, कुछ अपनी तरफ से आपके अंदाज में कुछ विश करेंगी ऐसे कुछ? लेट्स स्टिक टू द इवेंट अप, ये वाला इफ इट्स ओके तो फिर डन करें, डन डन करें, कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू, नहीं थैंक यू सो मच, अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। उनको मिलके मैं कह दूंगी, लेकिन टीवी पे मतलब कैमरास के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, और यू नो अपकमिंग क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा? तो हम देख रहे हैं थिएटर भी अब ओपन हो रहे हैं, फिल्में भी ऐसे धड़ल्ले से सब अनाउंसमेंट हो रहे हैं, लोग बहुत ही अप्रिसिएट कर रहे हैं, सो क्या कुछ अपकमिंग देखेंगे अदिति जी की तरफ से? हम अभी आई मीन एक्चुअली 2020-21 में काफ़ी सारा काम जो था वो OTT पे निकला, और अभी भी काफ़ी सारा शूट हो रहा है जो होपफुली थिएटर में निकलेगा। तो अभी अर्ली है बोलना, लेकिन जब आएगा तो तमिल का कुछ है एक्चुअली, क्योंकि हिंदी तमिल तेलुगु तो मल्टी टैलेंटेड है, मतलब क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का है, तो मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि हर रीजन में डिफरेंटली रिलीज हो रहे हैं, तो आई विल वेट फॉर द अनाउंसमेंट्स टू बी मेड एंड देन फिगर। सुपर, थैंक यू, थैंक यू सो मच।